रीवा में आज मौके पर मौजूद हर आंखें नम थी। एक ही परिवार के चार लोग, पति पत्नी दो छोटे बच्चों के सुसाइड मामला कल भोपाल में, आज रीवा में दिन भर छाया रहा। भोपाल में रीवा के विश्वकर्मा परिवार के चार लोगों की आत्महत्या के मामले में जोर पकड़ा। डेड बॉडी रीवा पहुंचने पर परिजनों ने नेशनल हाईवे रीवा बाईपास नागपुर बनारस नागपुर इलाहाबाद मार्ग में शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी अंतिम संस्कार के लिए मुआवजा, सीबीआई जांच, परिवार को आर्थिक मदद। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लगभग 3 घंटे सड़क पर शव रखकर परिजन बैठे रहे। बड़ी मुश्किल से प्रशासन के नुमाइंदे मौके पर पहुंचे, तब जाकर मामला खत्म हुआ। इस दौरान हाईवे में दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लगी रही, जिसके चलते ट्रक वाले उस रोड से निकलने वाले तमाम लोग परेशान होते नजर आए। बेहतर बात यह रही कि जितनी भी एम्बुलेंस इस दौरान वहां से निकली, आंदोलनकारियों ने उन एम्बुलेंस को जगह देने का काम किया। भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा, ऋतु विश्वकर्मा ने अपने दो छोटे बच्चे ऋषि राज और ऋतु राज को पहले कोल्ड ड्रिंक में सल्फात की गोलियां खिलाई, उसकी सेल्फी ली, वीडियो बनाया और खुद भी फांसी पर लटक गए। उसके पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में कोलंबिया कंपनी के द्वारा उनको फंसाए जाने का जिक्र था। उन्होंने सुसाइड नोट में आरोप लगाया, कोलंबिया कंपनी ने हमें हमारा सिविल खराब होने के बाद भी हमको लोन उपलब्ध कराया और अब लोन की डिमांड कर रहे हैं 17 लाख रुपए लेकर, जिसके चलते उन्होंने हमारा लैपटॉप हैक किया, उससे हमारे परिवार की फोटो निकाली, अश्लील वीडियो बनाई, तमाम परिचितों को सेंड कर दी, जिसके चलते परिवार काफी दुखी था। सुसाइड किया उन्होंने, उसके बाद परिजन शव लेकर रीवा पहुंचे। आज अंतिम संस्कार के वक्त कोई भी सरकारी नुमाइंदा वहां पर नजर नहीं आया। नाजारच परिजनों ने शव को उठाया, बाईपास पे ले जाकर शव रखा। काफी देर तक शव रखने के बाद अंततः प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन ने 5,000 करके 10,000 रुपए दिलवाने का अंतिम संस्कार के लिए मदद की। उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। ये घटनाक्रम लगभग उसे 2.5 घंटे चला। हालांकि इस घटनाक्रम को तुरंत भी खत्म किया जा सकता था अगर प्रशासनिक हमला तत्काल मौके पर पहुंचता। 400 के अंतिम संस्कार के लिए केवल 10,000 रुपए, आप खुद समझ सकते हैं। परिवार की मांग थी SIT CBI से जांच हो। हालांकि SIT गठन की जांच की बात सरकार पहले ही कर चुकी थी। 5 लोगों की एक टीम बना दी गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। सुसाइड करने के पहले परिवार ने अपनी भतीजी को व्हाट्सएप किया था, सुसाइड नोट, वीडियो, सेल्फी। भूपेंद्र ने अपनी भतीजी रिंकी विश्वकर्मा को सुबह 4 बजे अंतिम सेल्फी भी भेजी थी, जिसे उसने 6 बजे देखा था। उसके बाद परिजनों को खबर दी, परिजन भागे भागे आए, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरे मामले को लेकर हमने पिता और SDM रीवा के साथ विश्वकर्मा समाज के एक प्रमुख व्यक्ति से बात की। सुनिए, जब हमने बात की दोपहर के वक्त, उनका क्या कुछ कहना था। ये आप लोगों ने जाम लगाया है। आज हम लोग ये बाईपास हाईवे में जाम लगा के रखा है, लेकिन जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ऐसे धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक प्रशासनिक अमला नहीं आएगा तब तक हमारी मांगें ये है कि जिस कंपनी में ये जॉब करते थे और ये हरासमेंट किया गया है, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब्त हो और उसकी कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो,
और तत्काल आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद दिया जाए परिवार को, ये हमारी मांगे हैं। और सीबीआई जांच हो। प्रशासन कौन आए यहाँ पे आपके पास? प्रशासन के कलेक्टर आए। ठीक, जब तक कलेक्टर नहीं आएगी तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। हाँ बताइए। मेरा बेटा भोपाल में कंपनी में काम करते थे, उसके ऊपर कर्ज बना के इसको दोबारा डाला गया कि तुम नौकरी छोड़ दो, ये पैसा जमा करो। तो हमारा यह है कि सीबीआई जांच हो, परिवार के हमारे परिवार में गरीब आदमी सहायता दिया जाए, आर्थिक सहायता, आज एक आदमी सरकारी नौकरी दी जाए। आइए, चार चार हुए हैं तो मर्डर के दोबारा डालते, मर्डर हुआ है, मर्डर करवाया किया गया है, आत्महत्या नहीं है, वह दोबारा डाल के उसके सुसाइड नोट लिखवाया गया है, दस्तखत करवाया गया है। ये सेम इतना MBA किए हुआ है, इतना मूर्ख है, कितने का कर्ज था आपके बेटे के ऊपर? अभी मेरे को जानकारी नहीं ना। 17 लाख का बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा शिव नारायण विश्वकर्मा नाम, आपके बेटे का? भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा, पतोह का नाम है रितु विश्वकर्मा, नाती का नाम है ऋतुराज विश्वकर्मा, छोटे नाती का नाम है ऋषि राज। हमारे चार चार, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये भोपाल में जो ये दुखद घटना हुई है, जिसमें चार परिवार के सदस्यों द्वारा आत्महत्या करके, और प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आता है कि आत्महत्या की गई है, इनकी जांच की मांग परिवार के द्वारा की गई है। तो जांच के लिए SIT गठित करने का संदेश ऊपर से प्राप्त हुआ है कि इस मामले पर SIT गठित हो रही है। आर्थिक सहायता के लिए इन्होंने, परिवार ने कहा है कि हमको आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, तो ये बात भी प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी, ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी, और शासन का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आर्थिक सहायता प्रारंभिक तौर पर रेड क्रॉस की तरफ से 5,000 रुपये और पंचायत की तरफ से 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर अंत्येष्टि में मदद करने के लिए दिए गए हैं, मान गए हैं। और इनका कहना है कि हमारे परिवार गरीब परिवार है तो इसको मदद दी जाए, तो ये पूरा संदेश ऊपर पहुंचा दिया गया है। 1 करोड़ रुपये की मदद की मांग की गई है, तो नियमानुसार जो भी ऊपर सरकार निर्णय लेगी उसके अनुसार कार्रवाई। 5,000 रुपये एक के लिए है या सबके लिए? ये 10,000 रुपये टोटल दिए गए हैं अंत्येष्टि सहायता, प्रारंभिक तौर पर आज जो अंत्येष्टि होगी उसके लिए हम लोग पैसे लेंगे।